सर मैं समय से पहले आ गया, आप हमारी हाजिरी लगा दी। आज तुम्हारी हाजिरी नहीं लगेगी। क्यों? देखो आज कम मजदूरों की जरूरत थी सो पूरी हो गई। तो तुम कल आ जाना, ठीक है? लखनऊ का शेरा बाराबंकी में, जीतने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम। आज इस खेल का कोई नहीं है मेल, क्योंकि हमारे बीच वो है जो जंगल के शेर से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे देखकर अच्छे अच्छे पहलवानों को सूंघ जाता सांप है। अरे जो हारा नहीं किसी से आज तक, वो इस खेल का। अरे भाइयों, जिसके सामने तो आज तक कोई नहीं ठहरा। बिल्कुल सही समझे हो, उसका नाम है वन एंड ओनली शेरा। व्हाट? अभी तक सिर्फ 20,000 का इंतजाम हुआ है। इतने सारे गैर कानूनी काम करने के बाद भी ना तुम भिखारन की भिखारन ही रहोगी। काम भी तो भिखारियों के लिए कर रहे हैं। हमारा मतलब है, हमारा पेमेंट भी तो फंसा हुआ ही है ना। ऊपर से मंडली वाले कॉल करके पैसों के लिए रात दिन परेशान करते हैं, और फिर ये 20,000 का इंतजाम कर पाना भी इजी थोड़ी ना था। डोंट वरी, हम अपनी किस्मत ना साथ में लेकर आए हैं। देख लेना, कोई ना कोई कमाल तो जरूर होगा। शेरा, शेरा ने उसको चारों खाने चित कर दिया। 20,000 शेरा पर। कैसे? तृप्ति, आपका टोकन नंबर 305।
थाने चेक। जिसने शेरा पर पैसा लगाया है उसके पैसे बढ़ करके हो गए हैं एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, पांच गुना। इसलिए आप लोग थोड़े से पैसे लगाइए और हो जाइए मालोमाल। I can't believe this। हमारे 20,000 एक लाख बन गए हैं तृप्ति। बस ये राक्षस ना ऐसे ही जीतता रहे, 10 लाख भी बन जाएंगे। काकी हमको जल्दी से साड़ी दे दीजिए, हम बदल कर आते हैं। अरे तू, अरे बिटिया तू यहाँ क्या कर रही है? आज तेरी कृष्णा जी यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कृष्णा जी यहाँ आए थे पर ठेकेदार ने उनको काम नहीं दिया, कहे कि आज ज्यादा मजदूरों की जरूरत ना पड़ी। हमने कोशिश की थी पर हमारी सुनता कौन है यहाँ? हे अम्बे माँ, पता नहीं कहाँ होंगे कृष्णा जी। ए, कोई बाराबंकी का लाल जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, आ जाओ सामने, या फिर कलाइयों में चूड़ियां पहनकर छिप जाओ अपनी माँ की गोद में। ए, कोई मर्द, ये शेरा तुम सबको ललका रहा है, आ जाओ मुझसे लड़ने। कोई नहीं है, समझ गया मैं, बाराबंकी की किसी भी माँ ने शेर को पैदा ही नहीं किया है, सारे के सारे चूहे पैदा किए हैं। जो मर्द दूसरों की माँ की इज्जत नहीं करता वो कुत्तों से भी बदतर होता है। और सुन बे गेंडे, अपना नाम शेरा रख लेने से कोई शेर नहीं बन जाता, वरना हमारे मंदिर के बाहर बैठे भिखारी का नाम धनी लाल नहीं होता। ओ गॉड, ये कृष्ण कहां से आ गया? अगर कृष्ण ने हमें देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मुंह ढाक लो, कृष्ण ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। हीरो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक बार रिंग में कदम रखने के बाद लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती, हड्डी पसली टूटने से लेकर के जान जाने का खतरा रहता है और लौटने का कोई मौका नहीं मिलता है तुझे, ये समझ ले। हाँ समझाओ इसे, ये फोन में खेलने वाली रेसलिंग नहीं है। शेरा पहलवान से टकराने का मतलब जानते हो? आत्महत्या। अगर करना चाहते हो तो वेलकम। अबे, हम लड़ेंगे भी और हराएंगे भी तुझे। देखो जो इस खेल में आखिर तक टिक जाता है वही जीतता है, और मुझे नहीं लगता है कि तुम शेरा के सामने 5 मिनट भी टिक पाओगे, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम जाओ यहां से, तुम नहीं लड़ पाओगे, जाओ। हमें रियलाइज हुआ कि अगर हमारे पास 8-10 लाख रुपए होते ना, हम एक छोटा सा पार्लर खोल लेते तो हम दोनों का स्ट्रगल भी कम हो जाता। अरे रहने दीजिए, लड़ने लायक तो आपका ये शेरा पहलवान नहीं है, क्योंकि जो किसी की माँ पर सवाल उठा देना वो ना तो पहलवान होता है और ना किसी के माँ का लाल। ओह, बच्चे को बुरा लग गया ना, जा अपनी माँ के आचर में जाके छप जा। ए, कोई मर्द है यहाँ जो इस शेरा से टकरा सके? आज तक हार का स्वाद चखा ही नहीं है। ए, कोई? अरे तो आज चख लोगे बेटा, क्योंकि अपने से कमजोर लोगों को हरा कर तू खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है ना। देख इधर इधर, देख इधर इधर इधर, आज जो तेरे सामने खड़ा है ना वो तुझे तेरी असली औकात दिखाएगा। अरे भाई कोई चूहेदान लाओ, इस चूहे को बंद करना है, बहुत ज्यादा ही फटक रहा है ये।
अबे ओ, एक्स्ट्रा लार्ज साइज के मच्छर, हाँ? तू चाहे जितना मर्जी भन बना ले बेटा, लेकिन तुझे पता है ना कि एक मच्छर का अंत क्या होता है? अंत में वो मसला ही जाता है। और अगर तूने सिर्फ हमें ललकारा होता ना, तो हम शायद तुझे बख्श भी देते। पर तूने तो माओ के दूध पर सवाल उठा दिया। अब तो तू बचकर नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तुम खुद ही मरने के लिए तैयार हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? ले आओ जी, ले, मौत का चोला समझ करके पहन ले और जा शेरा के सामने, जा। गॉड, अब क्या करें? कृष की हम पर नजर नहीं पड़नी चाहिए। कुछ सोच तृप्ति, कुछ तो सोच। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से निकल ही लेते हैं ना। वैसे भी हमने 1,00,000 तो कमाई लिया है, चलते हैं यहाँ से।
हे अम्बे माँ, कृष्णा जी फोन नहीं उठा रहे। आप मतलब यानी कृष्णा जी का फोन बंद हो गया? हे अम्बे माँ, अभी अभी तो लग रहा था काकी, अब अचानक से बंद कैसे हो गया? हमको तो बहुत घबराहट हो रही है काकी, पता नहीं ऐसा काहे लग रहा है कि कृष्णा जी जरूर कोई संकट में होंगे। तू घबरा मत बिटिया, चल उधर जाके पूछते हैं, कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। आइए। भैया जी, आपने कृष्णा जी को देखा है? कृष्णा जी? हाँ, वो जो कल पहली बार यहाँ काम करने आए थे, काले कलर की टी शर्ट पहनी होगी और नीले कलर की जीन्स पहनी होगी। नहीं, बोल, क्या तेरे भी ख्वाहिश है श्रेया से लड़ने की? बोल, ऐसी कोशिश रखते क्यों जो पूरी ना हो सके? मैंने कहा था अंदर आने का ऑप्शन है और बाहर जाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन, सीधा ऊपर। अब तो तू ऊपर जाएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा। एक तरीका है यहाँ से निकलने का, 1,00,000 फाइन भरो और इस खेल से निकल जाओ। पायल जी, चलिए यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप कृष को मार खाते हुए देख ना पाए और हमारे ये पैसे कृष के लिए फाइन देने में चले जाए। हम ये पैसे गंवाना नहीं चाहते, चलिए आप। ये पैसे गंवाने का टाइम नहीं है, कमाने का टाइम है। तुम अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो, उससे क्या खाक लड़ोगे? बच्चा है तू, बच्चा। अरे इतना भी नहीं जानता कि लड़ाई सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं बल्कि हौसले से भी जीती जाती। देख तेरे हौसले ने तेरा क्या हाल कर दिया है। देख, तू देख और सुन ले हमारी बात। हम कसम खाते हैं कि आज तो इस रिंग से या तो हम मर कर जाएंगे या तुझे मार कर। ओ, वो तो तुझसे ही बात कर रहे थे ना जाने से पहले, तो कुछ तो बताया होगा तुझे। हमसे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ अखबार में सेरा की कुश्ती का इश्तिहार देख रहे थे और देखते देखते अचानक निकल गए। सेरा की कुश्ती, ये कहाँ हो रही होगी कुश्ती? ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ अखबार में सदर बाजार लिखा था।